नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। पाकिस्तान ने आखिरकार भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन को छोड़ दिया है। शुक्रवार रात 9 बजे के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स और विदेश विभाग के अधिकारी अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान एक महिला भी विंग कमांडर अभिनंदन के साथ मौजूद थी। वे उनके साथ अटारी वाघा बॉर्डर तक चलकर आईं। इस महिला पर सबकी निगाह लग रही है और सवाल उठने लगे हैं कि आखिर यह महिला कौन है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, यह महिला विंग कमांडर अभिनंदन की ना तो पत्नी है और ना ही रिश्तेदार। यह महिला पाकिस्तान विदेश विभाग में भारत मामलों की डायरेक्ट है, जिसका नाम डॉक्टर फरिया बुगती है। फरिया बुगती पाकिस्तान विदेश सेवा की अधिकारी हैं, जो भारतीय विदेश सेवा के समक्ष डॉक्टर फरिया बुगती भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले को भी देखती हैं। फिलहाल जाधव पाकिस्तान की गिरफ्त में हैं। पिछले साल जब जाधव की मां और पत्नी उनसे मिलने पाकिस्तान गए थे, तब भी डॉक्टर फरिया बुगती ही मौजूद थी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया था। इसमें काफी संख्या में आतंकी मारे गए थे। भारतीय वायुसेना के मिराज विमान अपने मिशन को अंजाम में सकुशल लौट आए थे और पाकिस्तान कुछ समझ ही नहीं पाया था। जब पाकिस्तान को इसकी जानकारी हुई तो वह बौखला गया और फिर भारतीय क्षेत्र पर हवाई हमला किया। पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमानों से भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने इसको मार गिराया। इस दौरान अभिनंदन का विमान MiG-21 भी गिर गया और वो एग्जिट कर गए। इसके बाद वो पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में पहुंच गए थे। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उनको बंधक बना लिया। जी हां, फिर पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन का वीडियो जारी किया और दो भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने पहले दो भारतीय पायलटों को हिरासत में लेने का दावा किया था, लेकिन बाद में उसने अपना बयान पलट दिया और कहा उसकी हिरासत में सिर्फ एक ही भारतीय पायलट है। इसके बाद पाकिस्तान ने कागजी कार्रवाई में देरी की दलील दी और फिर रात तकरीबन 9:20 पर विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया। इसके बाद भारतीय वायुसेना के अधिकारी उनको लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देर रात तक अभिनंदन दिल्ली पहुंचे। दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो लोग HCN न्यूज को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।